ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेजिनेला. ठीक है, ये दूसरी क्लास हम पढ़ने लगे हैं. लिग्यूलॉप्सिडा जो लाइकोफाइटा का मेंबर है, स्लेजिनेला. इससे पीछे अभी आपने साइलोटम को डिस्कस किया है. साइलोटम का लाइफ साइकिल मैं ब्रीफली दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ कि साइलोटम सबसे पहले उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, साइनेंजियम बनाते हैं. उसकी डायकॉटमस ब्रांच के ऊपर ये बन रहा होता है, जो स्पोरेंजियम होते हैं ट्राइलोक्युलर. स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आफ्टर मियोसिस स्पोर्स बनाएंगे. स्पोर्स जो है वो डेवलप होंगे, जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएंगे. प्रोथैलस से आगे दो पार्ट्स बन रहे हैं. प्रोथैलस गेमिटोफिटिक जनरेशन है, जो आगे आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बना रही है. आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया आगे अपने अपने सेक्स ऑर्गन्स बना रहे हैं. एंथ्रीडियम एंथीरोजॉयड्स, जिन्हें मेल स्पर्म्स कहते हैं, और आर्चिगोनिया एक्सेल ऊ स्फीयर बनाता है. दोनों आफ्टर सिन गैमी और फर्टिलाइजेशन बनाते हैं ऊ स्पोर, जिसे हम जाइगोट का नाम देते हैं, जो फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाता है साइलोटम की, जो डिप्लॉयड है. यहाँ से जाइगोट डिप्लॉयड जनरेशन है, जबकि ये जो स्पोर्स हैं ये क्या है, दीज आर हैप्लॉयड जनरेशन. तो गेमिटोफिटिक हैप्लॉयड और स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड जनरेशन. इसे स्पोरोफाइट के आगे 2x और गेमिटोफाइट के आगे सिंपल एक्स लिखा हुआ. ठीक है, नेक्स्ट. स्लेजिनेला जो है वो लाइकोप्सिडा का मेंबर है. स्लेजिनेला जो है, इसको हम क्लब मॉस या स्पाइक मॉस का नाम भी देते हैं. टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो डिवीजन है इसकी लाइकोफाइटा. क्लास लिग्यूलॉप्सिडा है. ऑर्डर स्लेजिनेलीस. फैमिली स्लेजिनेसी. और जीनस है स्लेजिनेला. स्लेजिनेला जो है ये प्लांट है, जो रिजेम्बल करता है जूनीपर्स के साथ. जूनीपरस प्लांट्स जो हैं उनके साथ ही बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है, इसलिए इसको हम क्लब मॉस या स्पाइक मॉस कहते हैं. अगर इसका आप ओरिजिनल प्लांट देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो लीव्स जो हैं वो जूनिपेरस लीव्स हैं. ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने शो भी किया हुआ. ठीक है, ये लीव, ये जो प्लांट है डेट इज लेजिनेला. और इसमें जो है वो आपको दो तरह के लीव्स नज़र आते हैं, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स. ठीक है, और इसके अलावा कुछ राइजो फोर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनके नीचे से एडवेंटिशियस रूट अराइज हो रही है, क्योंकि वो स्टेम से अराइज हो रही है, इसलिए हम उनको एडवेंटिशियस रूट्स का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो स्लेजिनेला का जर्नल स्ट्रक्चर है. ओवरऑल अगर आप इसकी डायग्राम की बात करें, जो हमारी बुक पर भी बनी हुई है, तो उसमें यहाँ पर ये देखें, ये डायग्राम है इसकी मॉर्फोलॉजी है. मॉर्फोलॉजी में आप देखें कि सबसे पहले रूट्स हैं जो एडवेंटिशियस हैं, कहाँ से राइज हो रही है, फ्रॉम स्टेम, इसलिए इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम राइजोफोर कहते हैं. ठीक है, जिसके नीचे रूट्स हैं. आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, दो तरह के हैं, एक ये स्मॉल लीफ है और एक लार्जर लीफ है. लार्जर लीफ को मेगाफिल और स्मॉलर लीफ को माइक्रोफिल कहते हैं. ओरिजिनली लाइकोपोड्स ही वो प्लांट्स हैं जहाँ से लीफ की ओरिजिन स्टार्ट हुआ था. ओवर टॉपिंग, वेबिंग और प्लेनेशन के फिनोमेना से लीफ बनना शुरू हुए थे. तो स्लेजिनेला में फर्स्ट टाइम जो है वो लाइकोपोड्स के अंदर फर्स्ट टाइम लीफ ऑब्जर्व किए थे. तो स्लेजिनेला में भी वही दो लीव्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे. स्टेम के ऊपर उसकी ब्रांच भी दिखाई, एक स्मॉलर लीफ और एक लार्जर लीफ के साथ. एक साइड पे अगर लार्ज लीफ है तो ऑपोजिट साइड पे हमेशा स्मॉल लीफ होगा. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, ये डायग्राम भी आपकी बुक में भी गिवन है, इसमें भी लार्ज स्मॉल लीव्स दिखाए हुए, और कुछ साथ जो है वो एक्स्ट्रा आपको स्ट्रक्चर्स भी यहाँ देखने में नज़र आते हैं ब्रांच के ऊपर. ये लिग्यूल कहलाता है, जो स्केल लाइक लीव्स होते हैं. ठीक है, स्केल लाइक जो कि यहाँ पर पूरे स्टेम पे थ्रू आउट मौजूद. स्लेजिनेला की अगर हम बात करें तो स्लेजिनेला बेसिकली स्पाइक मॉस या क्लब मॉस कहलाती है. वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिक्स में और डैम्प और शेडी प्लेसेस में बहुत ज़्यादा है. जीरोफिटिक है ये, यानी बेसिकली जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो वाटर के बगैर भी सर्वाइव कर लेते हैं, वाटर शॉर्टेज में सर्वाइव करते हैं. यहाँ जो इसकी बेसिक स्पीशी हम स्टडी करते हैं, स्लेजिनेला क्रॉसियाना है. ठीक है, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में इसके अंदर आपको प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नज़र आ रहे हैं. स्टेम जो है वो ग्रीन इन कलर है, डॉर्सी वेंट्रल है, प्रोस्ट्रेट है. प्रोस्ट्रेट का मतलब जिस तरह से ओवरऑल सरफेस के ऊपर फैला हुआ होता है, उसको हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं. तो प्रोस्ट्रेट इसका स्टेम है. इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट इरेक्ट ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस इसके अगेन डायकॉटमसली ब्रांच्ड होंगी, सूडो मोनोपोडियल मैनर में अरेंज हुई हुई होंगी या फिर, ठीक है, सूडो मोनोपोडियल का मतलब यानी आपको ऐसा लगेगा कि सिंगल ब्रांच है, हालांकि वो डायकॉटमसली ब्रांच ही होगी. हर एक की दो ब्रांचेज है, ये हो सकता है कि एक बड़ी हो एक छोटी हो, इसलिए आपको ऐसा नज़र आए कि वो एक ही ब्रांच है.
शूट एपेक्स में सिंगल एपिकल सेल होता है मोस्ट केसेस के अंदर, ठीक है। राइजोफोर इनका स्ट्रक्चर है जो कि लीफलेस कलरलेस ब्रांचेस होती हैं, और ये ब्रांचेस डाउनवर्ड ग्रो करती है जहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ग्रो कर रही है। ये राइजोफोर मैंने अभी आपको दिखाया है जो उसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसकी, राइजोफोर के अंदर जो है वो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, वो रूट्स जो के स्टेम से अराइज हो रही है, अगेन डाइकोटमसली ब्रांच होंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लीव्स की, लीव्स यहाँ पर स्मॉल लीव्स होते हैं, सिंगल वेंड है, उन्हें हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। और मे बी वो सेम हो सकते हैं, उन्हें हम आइसोफिलस लीव्स का नाम भी देते हैं, और अगर वो दो डिफरेंट साइज के होंगे तो फिर हम उन्हें एन आइसोफिलस लीव्स का नाम देंगे। माइक्रोफिल स्मॉल इन साइज है, आइसोफिलस लीव्स जो के सेम इन साइज होंगे, जितने लीव्स हैं एक ही साइज के, और एन आइसोफिलस के दो डिफरेंट साइज के लीव्स हैं और हम उन्हें एन आइसोफिलस कहेंगे, उनमें एक मेगाफिल होगा और एक माइक्रोफिल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बेस के ऊपर लिग्यूल एक आउटग्रोथ मौजूद है जिसे हम इसका वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता बेसिकली। सम टाइम कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वो वाटर सिक्रीटिंग ऑर्गन है या वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, यानी उसका काम है लीव्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना, तो इसीलिए वो वाटर सप्लाई कर रही होती है। लिग्यूल यहाँ पर सम टाइम कहा जाता है कि उसका फंक्शन है, सम टाइम कहते हैं वो वेस्टिजियल है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। रूट की बात करें तो रूट जो है वो यंग स्पोरोफाइट में प्राइमरी रूट है, दूसरी रूट्स एडवेंटिशियस होंगी, ठीक है, जो राइजोफोर्स की टिप से अराइज हो रही होंगी, उनके अंदर वेल डेवलप्ड कैप भी है और एक यूटिनाइज एपिडर्मल सेल्स भी मौजूद हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीट आउट होने से रोकेंगे। स्टेम एनाटॉमी देखें तो यहाँ पर ओवरऑल आपको स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसकी जो आउटलाइन है वही आपको नजर आ रही है कि वो स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ नहीं है, जैसे आपने साइलोटम में पढ़ी है कि वो सर्कुलर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको रिजेस फरोज नज़र आ रही है इसकी स्टेम की आउटलाइन के अंदर, जो आउटर सारी बाउंड्री है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम आप देखें अगर, तो सबसे पहले एपिडर्मिस यहाँ पर वन सेल थिक है, थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स हैं जिसके इर्द गिर्द क्यूटिकल की लेयर मौजूद है, कॉर्टेक्स यहाँ पर 2 to 4 layer थिक है, थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं जो हाइपोडर्मस लेयर बनाते हैं, इसके बाद थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर है जो कि क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट उसमें मौजूद है, निक्लोरेनकाइमा सेल्स हैं, थर्ड वन इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, फोर्थ वन एयर स्पेसेस यहाँ पर मौजूद हैं कैविटी की फॉर्म में, ठीक है। देन एंडोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस में आपको पता है कि कॉर्टेक्स और सेंट्रल टिश्यूज मिलकर एंडोडर्मल वॉल बनाते हैं, उसमें कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर जैसे ट्रैबिकुले कहते हैं, और इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं जो कि एंडोडर्मिस का मेन पार्ट है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसके स्टेम का, इंटरनल स्ट्रक्चर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, जाइलम फ्लोएम है अंदर सेंटर में, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं ये ट्रैबिकुली हैं जो एंडोडर्मिस के दरमियान में मौजूद हैं, और स्टील और एंडोडर्मिस के दरमियान में यहाँ पर पेरीसाइकिल भी एग्जिस्ट करी, इससे पहले आपने देखा था कि पेरीसाइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। स्टीलर सिस्टम की बात करें तो पेरीसाइकिल है सबसे पहले, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, थिन वॉल्ड है, और जाइलम फ्लोएम उसके अंदर मौजूद होते हैं। फ्लोएम इसमें देखें उसमें दो तरह के सेल्स मौजूद है, सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ से ऑनवर्ड आप देखेंगे हर दफ़ा फ्लोएम के अंदर यही दो सेल्स होंगे, सीव सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसके साथ एडिशन होगा कंपेनियन सेल्स का, यहाँ पर कंपेनियन सेल्स एबसेंट है, कंपेनियन सेल वो सेल्स हैं फ्लोएम के जो बेसिकली प्रोटीन बनाकर देते हैं फ्लोएम को ताकि वो फर्दर हेल्प कर सकें उसकी कंडक्शन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फ्लोएम सराउंड करेगा जाइलम को, जाइलम सेंटर में मौजूद है, अगेन दो टाइप्स होंगी, प्रोटो एंड मेटाजाइलम जो प्राइमरी सेकेंडरी डिवीजन के दौरान बन रही हैं, ट्रेकियड्स और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा वेसल और फाइबर्स भी होते हैं लेकिन वो अभी फिलहाल यहाँ एब्सेंट है, जैसे जैसे आप एडवांस प्लांट की तरफ जाएंगे वेसल और फाइबर भी अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं जाइलम के अंदर। तो आपने याद रखना है फ्लोएम में अभी फिलहाल कंपेनियन सेल एब्सेंट है, सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव सेल मौजूद है, जबकि जाइलम में ट्रेकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा मौजूद है, वेसल और फाइबर अभी एब्सेंट है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा लीफ एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो लीफ एनाटॉमी में अपर और लोअर सरफेस के ऊपर अपर और लोअर एपिडर्मिस मौजूद है, ठीक है, वंस एंड थिक है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, स्टोमेटा यहाँ पर अगेन प्रेजेंट होंगे दोनों एपिडर्मिस के अंदर ऊपर और नीचे। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो उनमें स्टोमेटा सिर्फ लोअर साइड्स पर ही होते हैं, जैसे कि मेन प्लांट्स में भी लोअर साइड पर ही लीफ होते हैं। मीजोडर्मिस जो है वो सॉरी इसमें जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल टिश्यूज़ हैं, उनमें थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, लार्ज एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और लार्ज एयर स्पेसेस उन सेल्स के दरमियान में है। वेस्कुलर टिश्यू सेंटर में है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेकीड्स मौजूद हैं। फ्लोएम में सीव सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स बहुत कम मौजूद होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी कंपेनियन सेल हम कह चुके हैं एबसेंट है। फ्लोएम हमने बात की थी, जाइलम के इर्द गिर्द मौजूद है, वेस्कुलर बंडल मौजूद होगा जो कि सराउंड करा बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल फॉर्मिंग अ बंडल शीट। बंडल शीट का काम होता है बेसिकली जितने भी ये सेल्स हैं, सॉरी सेल्स हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइफ साइकिल इसमें फर्दर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैरी करता है, जिसमें एक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होगी और दूसरी जो है वो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। सम टाइम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो बेसिकली स्पोरोफाइट इसमें उसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन मेथड से हो रही है। वन इज एडवेंटिशियस ब्रांचिंग, नंबर टू इज ट्यूबर, नंबर थ्री रेस्टिंग बर्ड्स, ठीक है। वो आपको पता है अगर एडवेंटिशियस होगी, क्योंकि एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहा है स्टेम, तो एडवेंटिशियस रूट्स भी बना रहा है, तो वो जब सेपरेट हो जाती हैं तो न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बनाती है। समटाइम ट्यूबर जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाते हैं, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वो जर्मिनेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या बना लेते हैं, फर्दर बना लेते हैं न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। और तीसरा जो है वो रेस्टिंग बर्ड्स हैं, वो रेस्टिंग बर्ड्स जो हैं वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे और लेटर ऑन जर्मिनेट होकर स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेंगे, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरी यहाँ ऑब्जर्व की जाती है। हेट्रोस्पोरी मीन क्योंकि यहाँ दो तरह के लीव्स हैं, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल, तो वो दो तरह के स्पोर्स बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर यहाँ स्मॉल होगा, मेगा स्पोर लार्जर इन साइज होगा, ठीक है। तो माइक्रो और मेगा स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं इनके अंदर। ये आपको यहाँ पर डायग्राम